वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इजी स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए और जल्दी से उनके लिए कोई अच्छा सा नाश्ता बनाना हो तो आप ये नाश्ता जल्दी से बना सकते हैं। 5 से 10 मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हमने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इसे छील के अच्छे से धो लिया है। दोनों आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, मोटे वाले साइड से ग्रेट करेंगे। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है, अब इसको अच्छे से धो लेंगे। अब इसे पानी डालकर 5 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब इसे पानी से निकाल लेंगे। हमने पानी से आलू को निकाल लिया है, अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आज का हमारा नाश्ता इन्हीं 2 कच्चे आलू से बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर हमने और ऐड किया है। अब ये आलू का मिक्सचर रेडी है। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, तेल को गर्म होने देंगे। अब आलू का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसे ऐसे राउंड शेप दे देंगे और इसे तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। आलू के लच्छे को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तलते समय गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी एक साइड फ्राई हो चुका है, अभी इसे दूसरी साइड भी पलट लेंगे। एक बार आप इस रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। स्नैक्स फ्राई हो गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे आलू के मिक्सचर को फ्राई कर लेंगे। हमारा दूसरा लॉट भी बनकर रेडी हो गया है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब इसे सॉस के साथ सर्व कर लेते हैं। आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी है, कितने कम चीज़ों में बनकर तैयार हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।